स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कम बैक इन अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कल का दिन मिस हो गया था, बस थोड़े काम कार और इधर उधर, आपको पता है बंदा मिस ही हो जाता है। बल्कि मैं कल किसी दोस्त के पास गया था, अपने मेरी वीडियो देखी हुई टिकटॉक पे, तो उसकी दादी की डेथ हो गई थी, उसके अफसोस के लिए गए थे, टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो वरना कल भी इंशाल्लाह आपको व्लॉग देते, आज आपके सामने आया हूँ, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ है आपका भाई, चौथा पार्ट फोर लेके। पार्ट फोर कुछ सोच के आया हूँ, कुछ अल्लाह की सोच के आया हूँ और कुछ अच्छे ही सोच के आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ भाइयों ने मैसेज किए हैं, एक भाई ने मैसेज किया कि भाई आप जो तरीका बता रहे हो वो तरीका मैंने इस्तेमाल किया, मैं होंडा लेके आया हूँ, मैं गिर गया हूँ, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो गया। मेरे भाई, पहली बात यह है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे तरीके पर चलो, मेरे तरीके काम करो, बिल्कुल नहीं। आपका दिल करता है ठीक, वरना मेरा तरीका सही नहीं है गलत है, तो आप अपना काम से काम रखो, मेरे तरीका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप व्लॉग देखते हो, आपकी मोहब्बत है, ठीक है, सपोर्ट करते हो, आपकी मोहब्बत है, आप मेरे तरीके पे अपना आपको नुकसान ना पहुंचाओ, गिरो ना, मतलब कि नुकसान आपका ना हो। एक चलने दे, अच्छा तो चलने दे, बंद नहीं करना, एक मिनट तो करना यार, पता नहीं कौन है। तो मैंने कहा भाई मेरा आप तरीका ना इस्तेमाल ना करो, आप अपने तरीके पे चलो, अगर आपको जो तरीका अच्छे वाला आता है, मैं मेरे तरीके चलो, आपका नुकसान मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी जान की जरूरत, जिसको समझ आती है ठीक, जिसको समझ नहीं आते कोई चक्कर नहीं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। मैं जस्ट इसलिए बताता हूँ कि यार ना बताने से बताना अच्छा है, चलो आवाम को पता नहीं है, गिरते रहते हैं, हमारा तरीका दे के चलो सीख तो जाएंगे। आज मैं टिकटॉक पर कमेंट पर एक भाई बता रहा है, कहता आपका तरीका इस्तेमाल करके मैं प्रैक्टिस बिल्कुल क्लिप पार्ट के साथ साथ करता जा रहा हूँ और मैं सीखता जा रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। एक दो मुझे लाहौर में भाई मिले, उन्होंने कहा हमने तुम्हारी वीडियो पे पहले मैंने जो चलाए थे ना पार्ट, कहते आपके हमने पार्ट देखे, व्हीलर बने हैं, तो अच्छी बात है। आज का पार्ट फोर लेके आया हूँ, पहने तो कपड़े हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं, तरीका बताना है हमने कौन से करना है। कल जैसे मैंने बताया था आपको फ्लाइंग का, पिछला फ्लाइंग का तरीका कि रिंग मारो, हाँ भाई का, उस भाई का मैसेज का बताऊँ, व्हाट्सअप वाले का, उसने कहा भाई आप पहले हमें ना बैठ के बताओ तरीका। यार मेरे भाई बैठ के बैलेंस नहीं बनता, सीधी बात है, मैंने आपको डायरेक्ट गोडे का बताया है ना, गोडे पे बैलेंस बनता है, और जितना हमारे तजर्बे में है, हमने एक एक घंटे में व्हीलिंग सिखाई है दोस्तों को, सही है, तो गोडे पे डायरेक्ट इससे बैलेंस सही बनता है, ब्रेक सही बनती है। कहते रिंग मरवाओ, ये करो, हम आवाम को खुदू लगाएं, ये नहीं है, जो बात सच है हम सच बताएंगे, सही बात, ताकि बंदा सीखे और बात ख़त्म हो। तो ये मेरे कुछ पार्ट है, मैं ख़त्म कर दूँगा, सही है, 2, 4, 5, 7 और पार्ट बताऊँगा, फिर ख़त्म कर दूँगा इन पार्ट में, इंशाल्लाह सब कुछ बता दूँगा। मैं टाइम ज़ाया करूँ, लंबा लेके जाऊँ, ये वो कोई चक्कर नहीं है भाई, मेरे 5, 7 पार्ट, 10 पार्ट और बना के ख़त्म कर दूँगा, एंड कर दूँगा, फिर मैं अपने डेली लाइफ में बनाया करूँगा। ये मैंने वाले वैसे एक जैसे एपिसोड डाल दिए। फ्लाइंग का तरीका बताया था कि भाई फ्लाइंग मारनी है आप लोगों ने टिंग सीधी टांग से, तो कुछ भाइयों के मैसेज हैं कि भाई नीचे जो पाँव मारना, उठा के पाँव रखते हैं नीचे, पाँव के सीटते हैं, ये तरीका बताओ। ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इस पर टोटली गेम होती है, आपका होंडा कभी निकलेगा नहीं जब आप पाँव का सीटना सीख जाओगे, जब आप पाँव घसीना ठीक हो गया, आपका होंडा ओवर होगा, जैसे पीछे जाएगा आपने पाँव रख लेना है, ब्रेक पे पहुँचो ना पूछो, पाँव तो पीछे पहुँच जाता है, उससे आपकी पहली बात है। ये वाली वैरायटी भी पक्की होगी, जो शानवाज मारता था, शानवाज की फेवरेट थी, मैं तो नहीं मारता, शानवाज की फेवरेट थी और बहुत अच्छी वैरायटी थी पाँव घसीटने का तरीका। तो पाँव घसीने का तरीका आपको मैं ये बताऊँगा, आपने पहले गियर में होंडा उठाना है, पहले गियर में, सही है, फ्लाइंग पे उठाना है, उठा के ना पाँव पीछे घसीटना है, पाँव पीछे रख देना है, और पाँव रखने का तरीका आपको मैं ये बताऊं कि आपने पाँव दबा के रखना है नीचे, ये नहीं कि आपने टच करना है, या होंडा अगर आप टच करोगे या होंडा इधर जाएगा आप गिर जाओगे, और लड़के भी गिरे मेरे सामने, गिरे पाँव की प्रैक्टिस करते हुए, मुझे तो आता है, आपने होंडा ऐसे उठाना है फ्लाइंग पे फर्स्ट गियर में, पाँव पीछे ज़ोर से रोड के साथ चिपका देना है, ज़ोर जब दोगे ना आपका होंडा आपके पाँव के सहारे पर आ जाएगा, मेरी बात समझ आई ये नहीं आई। आप होंडा उठाओगे, उठा के पाँव जैसे रखोगे, पाँव को दबा के जोर दोगे, तो होंडा आपका पूरा कंट्रोल पाँव के ऊपर आ जाएगा, तो इससे एक नुकसान है कि आपके शूज़ नीचे से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि हमने बड़े शूज़ तबाह किए हैं। ये वैरायटी मैं इसलिए नहीं मारता भाई, ये शूज़ों की तबाही कर देती है, एक दफ़ा मारो वैरायटी और नीचे शूज़ का सुराख निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम तो लेते हैं फिर महंगे महंगे शूज़, फिर बंदा शूज़ ही चेंज करता रहे, अच्छी बात नहीं है। वैसे भी शूज़ ज़ाया होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, उस पर हमें समझो कि शूज़ की तबाही है, लेकिन बड़े शहरों में इतनी नहीं है, क्योंकि रोडें अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ रोडें ऐसी, हम शूज़ रखते हैं और शूज़ अल्लाह के हवाले। तो मैंने जैसे बताया, उठा के आपने पाँव रखना है, पाँव घसीटना है, पहली पहली आपकी ये है कि आपने उठाना है और पाँव रख देना है, फुल स्लो करके, फिर होंडा नीचे आ जाए, फिर उठाओ, फिर पाँव रख के दबा दो पाँव नीचे, ठीक है, फिर होंडा बिल्कुल स्लो हो जाएगा, रेस छोड़ दो,
एक्सीलेटर नहीं मारना, एक्सीलेटर छोड़ देना है। जब आपके पाँव पे सारे पे लेके जाओ फिर स्लो कर दो, ऐवें दो चार प्रैक्टिस करो जैसे मतलब आपका पूरा कंट्रोल आ गया पाँव पे, फिर आप दूसरे गियर में उठा के फुल उठा के जहाँ होंडा स्पीड में जा रहा है शोर कर रहा है, आप पीछे पाँव रख के होंडा बिल्कुल स्लो करो फिर ऊपर चढ़ के फिर आगे चले जाओ। ये बात भाइयों ने पूछी, मैंने बताई, मेरे माइंड में नहीं थी, मैंने बाद में बतानी थी, तो पहले मैं ये आपको कर दूं, क्योंकि जो न्यू बंदी अगर आप ब्रेक नहीं बंदी पाँव वाला सिस्टम बना लो बात ख़त्म। पाँव समझो आपकी ब्रेक है, यहाँ होंडा पीछे आएगा, आपने पाँव रखना है और होंडे कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद बात आ गई जंपिंग की और चेंजिंग की। तो जंपिंग और चेंजिंग के लिए लड़के पूछते हैं कि जानी भाई आपका होंडा कैसे ऊपर एक ही जगह रुका रहता है, आप चेंजिंग करते रहते हो जंपिंग करते रहते हो। भाई हमने कोई वेल्ड नहीं किया होता कि बंदा एक जैसे वेल्ड करके रख देता है होंडे को, चेंजिंग करता रहता है, ये आपका वहम है। बड़े भाइयों के माइंड में होता है कि कुछ ऐसा बनवाया हुआ है होंडे के अंदर के होंडा उधर रुका रहता है। ये शहजादे मैंने क्या कहा था, ये चीज़ जब ये चीज़ आपकी पक्की होगी ना पक्की, आप होंडा ऊपर है आप सो जाओ होंडे पे, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपका एक्सीलेटर पक्का है। ब्रेक पे तो पाँव नहीं रखना चेंजिंग के टाइम, चेंजिंग करनी है, जंप मारने है। इसके लिए मैं आपको मेन बताऊँ, पहली बात ये कि आपने जैसे मैंने पहले बताया था ना फ्लाइंग पे, फ्लाइंग पक्की होनी चाहिए चेंजिंग के लिए, फ्लाइंग पक्की होनी चाहिए। अब फ्लाइंग पक्की होगी तो आपका ये वाला गुट पक्का होगा, ये गुट पक्का होगा तो आप जब चेंजिंग मारोगे आपको होंडा निकलेगा नहीं, और चेंजिंग डर के नहीं करनी, गिर भी जाओ कोई जगह नहीं, अगेन अगेन ट्राई अगेन। चेंजिंग आपने डर के नहीं मारी, जब चेंजिंग आप मारोगे तो एंगल ऊपर रखो, जितना एंगल ऊपर होगा आपका होंडा सुन हो गए चेंजिंग करता जाएगा, जैमें नाचते जाओ कोई चक्कर नहीं। हमारी आपने वीडियो देखी होगी, हम नाच रहे होते हैं, हमारा एंगल देखा करो, एंगल हमारा 90 होता है, 90 मिनट सही इधर होता है, फुल नहीं होता। इधर तक चेंजिंग करते जाओगे ना होंडा कभी नहीं निकलता चेंजिंग से, सुकून से चेंजिंग करो आराम से। पहले फास्ट चेंजिंग नहीं करती करनी, दिमाग वाली चेंजिंग करनी है, थोड़ी सी एक चेंजिंग मार के ब्रेक पकड़ो, ब्रेक होंडा स्लो करो, फिर होंडे को सांस में लेके फिर और चेंजिंग मारो, दो तीन जंप मारो फिर ब्रेक भी आ जाओ। ये देखो ना, ये जंप मारा तो फिर ये ऐसे कर लिया, सही है, फिर ऐसे चेंजिंग की, ऐसे कर फिर ब्रेक पे आ गए, इससे आपको ब्रेक पे फोकस रहेगा, फिर जंप मारे फिर ये ब्रेक पे आ गया, ठीक है। आज मैंने शलवार बड़ी पहनी हुई है, आपको पता है बलोच बंदी है, तो कहीं गया हुआ था इस वजह से फिर मैंने चेंज ही नहीं किए, मैंने कहा पेंट कल पहनेंगे। मेरी बात समझिए, थोड़ी चेंजिंग मारो फिर ब्रेक पे आओ, ब्रेक पे होंडा स्लो कर लो, स्लो कर अपने मोशन में आ जाएगा, फिर जंप मारो फिर स्लो कर लो, फिर और वैरायटी मारो। चेंजिंग का असूल ये है, थोड़ी सी मार के ब्रेक पे आओ, ये नहीं कि पक्का पक्का आ जाओ, थोड़ी सी और मार के ब्रेक पे आ जाओ। जब आप ऐसे पक्के हो जाओगे ना फिर आप चेंजिंग मारते रहो, ब्रेक पे आओ ही ना, आपका एक्सीलेटर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि बंदा मतलब कि चेंजिंग के टाइम डिस्टर्ब हो या कोई होंडा वोंडा निकले, सही है। ये आपके लिए बहुत अहम बातें हैं, माइंड में रख लो, सुकून से देखा करो, अकेले बैठ के देखा करो, 10 दफा वीडियो देखा करो, फिर ट्राई मारा करो, समझ ना आए फिर आगे वीडियो देखो, वहीं पे देखो, यकीन मानो दिल खुश होगा आपका कि अल्लाह दिल से बताते हैं, सीधा बताते हैं, हम दूसरों के फेम के लिए ये यकीन नहीं लगाते, सही है, दिल से बताते चलो हमारे थ्रू कोई ना कोई भाई सीख जाएगा। तो सपोर्ट किया करो, लाजमी सपोर्ट, हम आपके इतनी मेहनत करते हैं, आप भी सपोर्ट किया करो। मेरी कॉपी लिंक करके ना मेरा हर जगह लगाया करो, ये वीडियो को लिंक शेयर किया करो, व्हाट्सअप फेसबुक हर जगह, जितना लोग देखेंगे उतना एवरेज बढ़ेगी और इंशाल्लाह हम आपको ज़्यादा सपोर्ट करवाएंगे। तो आपने चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है, जिसने नहीं किया हो कमेंट अच्छे से अच्छा करना है, और आपका कोई अपना खास मसला तो कमेंट में लाजमी बता दो। मिलते हैं कल के व्लॉग में, इंशाल्लाह कल व्लॉग लाजमी आएगा, छुट्टी नहीं होगी, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।